हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग आरजीबीवी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करेंगे। आज फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। रोज़ एक एक क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में आते ही हैं 99%। आज का जो क्वेश्चन है वो क्या देख सकते हो आप लोग, ये दिसंबर 2011 में भी आया है, 2012 में, 2014 में भी आया है। क्या है क्वेश्चंस, जो कि मैंने जिस दिन यूनिट फर्स्ट पढ़ाना शुरू किया था उस दिन भी इसके बारे में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम क्या होता है। देन डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मॉडर्न पावर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। देन फिर सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चंस फिर से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले ये जानना होगा कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता क्या है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम मीन्स कि जब हम लोग जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, उन्हें पैरेलल में आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है क्या, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, ठीक। इट मींस क्या, अगर हम लोग फर्दर इसे डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विथ मल्टीपल अवेलेबल पावर सोर्सेज विच कैन मेक क्लोज पाथ टूगेदर द नेटवर्क, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, अगर कोई मेरा सिस्टम है, ठीक, और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, अगर वहाँ पे लोड डिमांड अचानक सडनली बढ़ जा रही है या कम हो जा रही है, फॉल्ट की कंडीशन आ जा रही है, तो सिस्टम मेरा बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर सिस्टम ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम रिलायबल नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी, तो इन सब चीज़ ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करके रखने के लिए हमें सिस्टम को क्या करना होता है, पैरेलली आपस में कनेक्ट करना होता है, ताकि एक सिस्टम में अगर फॉल्ट आ रहा है तो हम लोग बाकी के दूसरी यूनिट का यूज़ करके क्या कर सके, सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करा सके। क्लियर। अब जैसे ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, दो जनरेटिंग स्टेशन बनाए उसने, G1 और G2। आप ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है, देन यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन 1, ट्रांसमिशन लाइन 2 दिख रही है, और ये लोड से कनेक्टेड दिखा हुआ, आपस में पैरेलल में चीज़ें कनेक्टेड दिख रही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है एसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम, एक होता है डीसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम, एक होता है हाइब्रिड एसी डीसी इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसके बारे में डिटेलिंग में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मेन हम लोग आंसर पे आते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसके पहले थोड़ा सा इंट्रो था कि आखिर होता क्या इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। अब मेन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, एक प्रॉब्लम आती है मेरी वोल्टेज कंट्रोल की प्रॉब्लम, सेकंड वन है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, देन फ्रिक्वेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्रॉब्लम, स्टोरेज शॉर्टेज एंड रिकवरी कैपेसिटी, एंड सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम। क्लियर। अब हम लोग सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला है मेरा वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वोल्टेज की प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है अगर वो ऑपरेट हो रहा है तो वो कोई पर्टिकुलर किस पे ऑपरेट होता है, कांस्टेंट वैल्यू पे, बट लोड कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, डिमांड पर डिपेंड करता है, तो इट मीन्स वहाँ का वोल्टेज भी मेरा क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इसलिए क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसे हम लोग फुलफिल करते हैं किसके थ्रू, कंपनसेटर के थ्रू। कौन सा कंपनसेटर यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए, शंट कैपेसिटर कंपनसेटर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरी कौन सी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम मीन्स कि इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम जो है उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशंस, PLCC टेक्निक का यूज़ करते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिकल या मल्टी सिस्टम डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मेरा क्या, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। अब फ्रिक्वेंसी कंट्रोल क्यों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, लोड के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। मतलब अगर लोड बढ़ रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर लोड कम हो रहा है तो फ्रिक्वेंसी मेरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की जो रेंज होती है वो सबको पता है 50 हर्ट्ज़ होती है, लेकिन उसका टॉलरेंस जो है वो 48 से 50.5 हर्ट्ज़ तक वो वियर कर सकता है। क्लियर। तो अगर इसके ऊपर या नीचे जाएगी फ्रिक्वेंसी तो मेरा सिस्टम क्या होगा, ऑपरेट नहीं हो पाएगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट मेरा क्या है, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। अब कोई भी सिस्टम है, उसका रियल पावर हो, रिएक्टिव पावर हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हो, करंट हो, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मीटर की, मीटर या इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इन सब को इंस्टॉल करने में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग फेस करते हैं। देन नेक्स्ट है मेरा शॉर्टेज इन रिजर्वर कैपेसिटी। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेलिंग में ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई भी प्लांट है, जनरेटिंग प्लांट है, अगर वो प्रॉपर फुलफ़िल नहीं कर पा रहा अपनी डिमांड को, तो हम लोग एक बैकअप प्लान लेके चलते हैं जिसके थ्रू उस डिमांड को क्या किया जाता है, फुलफ़िल किया जाता है। तो कई बार ये स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आ जाती है हम लोग के सामने, कोल्ड रिजर्वर, हॉट रिजर्वर, ये सब मैंने अलग अलग पढ़ाया है, क्लियर। देन नेक्स्ट है मेरा क्या, सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम। मतलब क्या, अगर मेरा फ्रिक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम मेरा सिंक्रोनाइज में अपना खो देगा। अगर वो सिंक्रोनाइज में नहीं रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के अंदर। सारी छः की छः आप लोग को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 8 GB के क्वेश्चन में ही आंसर क्वेश्चन आना ही आना है। थैंक यू सो मच।